आज नोटबंदी के फैसले की सालगिरह है। एक साल पहले 8 नवंबर 2016 को अचानक मोदी सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट को इतिहास का हिस्सा हो जाने का ऐलान कर डाला था। एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस दरमियान ऐसा कोई दिन नहीं आया जब नोटबंदी को लेकर सियासी जुबानी वार नहीं हुआ। विपक्षी से जनता को परेशान कर देने वाला फैसला बताता रहा तो मोदी सरकार की तरफ से दलील दी जाती रही कि नोटबंदी का फैसला देश के भविष्य के लिए जरूरी कदम था। कांग्रेस का एक इतिहास था कि उन्होंने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया ब्लैक मनी के खिलाफ। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पाइपलाइन में भी रहते हैं, जैसे जो लोग आइडेंटिफाई हुए उन लोगों के खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करना, तो ये तो प्रोसीजरल हैं। लेकिन जो इस दिशा में हम लोग गए हैं, वी आर मोर देन सैटिस्फाइड। नोटबंदी की वजह से देश एटीएम के आगे कतार में दिखा। व्यापारियों ने कई जगहों पर विरोध किया। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की मजम्मत करने से पीछे नहीं रही। पूर्व पीएम और आर्थिक मामलों के जानकार मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को संगठित लूट बताया। We know by now that none of the stated objectives of eliminating black money, terror financing and counterfeit currency have been met. There are also widespread reports of the rich converting their black money into white, while the poor have undergone immense suffering. As I stated in Parliament, this was organized loot and legalized plunder. लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई। एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष आज भी आमने सामने हैं। गुजरात हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा नोटबंदी पर सियासी संग्राम बढ़ गया है। कांग्रेस को चुनाव देख कमजोर तबकों की परेशानी विचलित कर रही है, तो वहीं मोदी सरकार ये गिनवाते नहीं थक रही कि नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।